पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत एकता द्वार स्थित स्वतंत्रता सेनानी भवन में 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में प्रशिक्षण संपन्न कराया जा रहा है। आयोजित 6 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण में लगभग 120 युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानकारी देते हुए आनंद कटियार ने बताया कि सरकार के द्वारा युवतियों को स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और विभिन्न योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ दिया जा रहा है। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ से आपके जनपद मुरादाबाद में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत ये 6 दिवसीय का प्रशिक्षण यहाँ पर आपके मुरादाबाद जनपद में चल रहा है। के तो ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में आयोजित किया गया है, जिस प्रशिक्षण का आज हमारा सेकेंड डे है। के दूसरा दिन है, दूसरे दिन में सेकेंड डे में इसमें क्या होता है कि यहाँ पर दर्जी की ट्रेनिंग चल रही है। दर्जी की ट्रेनिंग कराने में अर के आपका यहाँ पर सभी प्रशिक्षणों का दूसरा दिन है, जिसमें से 3 दिन हमारी उद्यम की क्लासेस चलती हैं और 3 दिन हमारे प्रैक्टिकल की क्लासेस चलती हैं अर्के। और जिसके द्वारा यहाँ पर जिला उद्योग के द्वारा इन लोगों का चयन किया जाता है। चयन करने के बाद उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कराया जाता है। प्रशिक्षण कराने के उपरांत इन सभी लोगों को एक एक सिलाई मशीन व 1500 रुपये के स्टेपेंट के रूप में ऑनलाइन इन लोगों के अकाउंट में दिए जाएंगे अर्के। और इसका एक कोई एक बड़ा सा प्रोग्राम है इसमें बाद में रखा जाता है, जिसमें इन लोगों को भागीदारी प्रशिक्षण मतलब वहाँ पर टूल किट वितरण की जाती है। धन्यवाद। तो दोनों चीज़ें वितरण की जाएगी, वो कब की जानी है? जी सर, जो सिलाई मशीन और जो उसका सर अभी नहीं है, उसके बाद हो सकता है कि सरकार को दर्जा यहाँ पर टूल किट भेजी जाएगी तो उसका अलग से समय दिया जाता है कि कौन सी डेट है। अभी उसकी डेट कन्फर्म नहीं होती है। तभी बाद में दी जाएगी या अभी दी जाएगी? अभी नहीं दी जाएगी, इसके बाद हो सकता है दिसंबर महीने में या और कोई भी समय आए उसके बाद वहाँ से टूल किट भेजी जाती है संस्था द्वारा। यहाँ पर जब आ जाएगी तो उसके बाद कोई एक डेट निर्धारित की जाती है, बच्चों को द्वारा कॉल करके इन्फॉर्म किया जाता है। तो और जो इनका यानी जो पेमेंट जो अदा किया जाएगा, पैसे जो अदा किए जाएंगे वो कब किए जाएंगे? उसका भी अभी उसमें प्रोसेस होता है, अभी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद इनके एक्सेल शीट बनकर जाती है, प्रोसेस होती है, उसके बाद वहाँ पर जब स्टेटमेंट ग्रुप में आया था जो बैंक में प्रसिद्ध की जाती है, बैंक द्वारा सभी लोगों को 1500 रुपये इन लोगों को बाद में भेजा जाता है। कितने बच्चे हैं आज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं? यहाँ पर हमारे 125 बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो विशेष रहेगा इसमें आज के दिन या हर दिन कुछ विशेष रहना है? जी कुछ विशेष रहेगा, कुछ नया। हाँ नया इनको बता रहे हैं आप, जैसे हमारा 6 दिन का प्रशिक्षण होता है, 6 दिन के प्रशिक्षण में इन लोगों को हमारा 3 दिन उद्यम क्लासेस चलती हैं, इनको मोटिवेट किया जाता है, पढ़ाया जाए करके, उसके बाद 3 दिन इन लोगों को बढ़ाकर प्रैक्टिकल कराया जाए करके दर्जी ट्रेड में। पढ़ाने के लिए कितने लोगों का स्टाफ है? जी तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने लोगों का स्टाफ? 6 लोगों का स्टाफ है। 6 लोग? जी जी पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।